कवर ले लिया और दम लगा लिया और वो दम जो है 15 मिनट में तैयार। अब तीन पतीले चले गए 15 मिनट में, 15 मिनट के बाद फिर हमने पतीले लगा दिए, 15 मिनट के बाद फिर वो चल रहे। फिर हमने इसका नाम कराची बिरयानी, बम्बे बिरयानी और झटका बिरयानी नाम रखा। ठीक, वो इतनी मशहूर हुई कि अब सब जगह वो चल रही, उबाल के लोग चावल लगा देते हैं। इस तरह की लाहौर में जब मैं पार्टी आई साउथ अफ्रीका से, तो ढूंढते ढूंढते मैं किचन कंसल्टेंसी भी करता हूँ, किचन की कंसल्टेंसी भी करता हूँ, रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी भी करता हूँ। मुझ तक पहुँचे कि ऐसे बात है, हम लाहौर में बिरयानी ईजाद करना चाहते हैं मगर वो शार्ट रखा हो। ये DHA की बात है, डिफेंस की। बिरयानी एक्सप्रेस के नाम से हमने फिर वहाँ पर बनाई DHA में। मैंने फिर उनको वही बम्बे स्टाइल से निकाल दिया, आलू वाला भी वगैरह भी पर। जब हम सिंधी बिरयानी की बात करते हैं तो याद रखिए कि सिंध में आलू वाली बिरयानी बछड़े के गोश्त से बनती है। जो सिंधी असल सिंधी बिरयानी है वो बनती है बछड़े के गोश्त से, बड़े के गोश्त से बनती है, बकरे के गोश्त की नहीं, न मुर्गी की बनती। ठीक, क्योंकि होटल में चलानी थी, नाम और जायका वो देना था, तो हम बकरे की तरफ और मुर्गी की तरफ आ गए। चिकन बिरयानी में स्टाइल वही रखा, आलू लगा दिए। ये हमने किया सुल्तान होटल में बहू हैदराबाद में, और फिर एक होटल था शीश महल, बहुत मशहूर होटल होता अपने ज़माने में, वहाँ ये स्टाइल किया, बिरयानी को याद कर दिया। अब जैसे यहाँ कर लाहौर में बिरयानी एक्सप्रेस के नाम से निकाल दिया हमने, है क्या दो नंबर काम है, क्योंकि पीछ निकल गई, पीछ निकल गई, टाइम शार्ट हो गया, जल्दी बन गई, मगर वो बिरयानी नहीं रही, वो बरिया नहीं। बिरयानी की लफ्ज़ी मैंने बरिया करना, बरिया करना क्या होता है कि आपने गोश्त की यखनी बनाई पोटली डालकर, एक पोटली में आपने मसाले डाले, धनिया डाला, सौंफ डाली, प्याज लहसुन डाला, गर्म मसाला, उसको बाधा पानी में डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया, गोश्त गल रहा है, गल के तैयार हो गया, यखनी आपकी तैयार हो गई, आपने पोटली निकाली। ठीक, गोश्त को पानी में रहने दिया, चावल आपके टीके हुए, अब पोटली निकाली, उसका मसाला निकालेंगे आप, उसको पीसेंगे, उसको पीसेंगे और घी में अब प्याज डालेंगे आप थोड़ी। ठीक है, हल्की सी सुनहरी होगी तो वो जो यखनी में पड़ा हुआ है गोश्त वो डालेंगे उसमें, और ये बिरयानी करेंगे मसाला डालकर। ये है बिरयानी करना, वो बिरयानी बनती है, जो पोटली डाली है ना वो आप उसमें डालेंगे, बढ़िया होगा। अब वो यखनी आप डालें उसमें, चल गई, अब चावल डालें और उसको उस तरीके से दम पर लगाएं, दर दम। ये है बिरयानी जो उंगलियों को चिपकती है, जिसमें उंगलियाँ चिपकें वो बिरयानी बढ़िया हुई, और बगैर चबाए अलग से नीचे उतर जाए। उबले हुए चावल में आपको चबाने पड़ते हैं, कच्चा पिन का एहसास होता है कि चावल कच्चे हैं, कनी आती है मुँह में, बात समझिए ना, क्योंकि अगर पूरे पका के वो डालेंगे तो चावल बैठ जाएंगे, तय नहीं आएगी फिर। ये है जुड़े जुड़े जो होती। अब सपो क्या है पनीर तंबाकी का कुकिंग का, जैसे जैसे सयाद को फ़रोग मिलता जा रहा है, मईशत में तरक्की होती जा रही, वैसे ही क़याम और क़वाम की ज़रूरत भी इजाफा हो रहा है। इन ज़रूरियात को नए आने वाले होटलों, रेस्टोरानों, होटल्स के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, लिहाजा नहत वसूल के साथ ये पेश भी नहीं की जा सकती है कि होटल की सनत बिलखसूस फूड प्रोडक्शन वापस अफराद शेफ्स का मुस्तकबल नहत रोशन है। फूड सर्विस के इदारे अपने काम की नौयत और वसीत के अतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ तो होते हैं, हर किसी का अपना एक इंतजामी ढांचा होता है, इंतजामी अमूर जो होते हैं होते हैं, मगर शेफ की मकबूलियत बढ़ती चली जाती है। वो तो किस इदारे में भी रहेगा, उसने एक रेसिपी अपनी देनी है, लेके चलेगा। किचन स्टाफ दरअसल तरबियत की आपका कुक्स और ट्रेनिंग पर मुश्तमल एस टीम, जो एग्जीक्यूटिव शेफ अब क्या है, आगे इसकी वजाहत आ जाएगी कि एग्जीक्यूटिव शेफ कब बनता है और मास्टर शेफ कब बनता है, ये आपको बता।
किधर ना करें खाने तैयार करने और पकाने में माबूर होते हैं। किचन स्टाफ की साख वसत और काम को आमतौर पर मुतल निकात की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है, जांचा जाता है। इदारे की वसत इदारा कितना बड़ा है, इदारे की किस्म किस किस्म का है, किस किस्म का फूट गिरा है, इंतजामिया मुकामी है या बाहर की है। ठीक, खाने और बर्तनों की दस्तयाबी, ये खाना कौन सा है उसके मुताबिक किचन इक्विपमेंट पूरा है या नहीं। एग्जीक्यूटिव शेफ जो किचन का इंचार्ज होता है पूरे किचन का, माजी में शेफ की जिम्मेदारियाँ महज खानों तक महदूद थीं, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। शेफ को हिसाब किताब के मामला की पूरी सूझबूझ होनी चाहिए ताकि वो पूरी तरह पर और ठीक ठाक तरीके से फूड कास्ट और लेबर कास्ट निकाल सके। मेरे एक पोर्शन पे कास्ट ये आई है, इस पे लेबर ये आई है, मुझे ये पोर्शन इतने का पड़ा, हम इतने का बेचेंगे। अंग्रेजी दुकान पर अबूर होना भी ज़रूरी है। आज का शेफ सिर्फ मेन्यू नहीं बनाता बल्कि लेटर लिखने, रिपोर्टें बनाने और तहरीरी हिदायत जारी करने के काबिल भी होता है। उसे किचन का बजट तैयार करने में भी माहिर होना चाहिए। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव शेफ को होटल के दीगर एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत करना होती है, लिहाजा उसे अच्छी और मौसर गुफ्तगू का फन भी आना चाहिए। ठीक, अब हम ये इंतहाई जरूरी है कि वो लोगों के नफसियात को समझता हो, इन्हें साथ लेकर चल सके एक टीम की तरह। एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए लाजिम है कि वो अपने स्टाफ की बेहतरीन सलाहियतों को बर्वेकार लाने का हुनर जानता हो, क्योंकि स्टाफ दर हकीकत उसकी कारकर्दगी का आईनादार होता है। उनकी टीम को देखकर आप अंदाजा कर लेंगे कि इनका शेफ क्या है। ठीक है, शख्सियत ये हम नेक्स्ट पेज में लेके जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, शेफ क्या है, किचन क्या है, ये बहुत लंबा है पेज। ठीक है, ये नेक्स्ट उसमें आएगा। ठीक है सर, यही चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, टाइम हो गया, बच्ची तो आज आई नहीं पेपर उसके पास से कॉपियों से। ठीक है, तो नेक्स्ट में वो आ जाएगी। ठीक है, तो और किसी को तो सवाल हो किसी नहीं, उसमें यह है कि जब हम गर्म चावल बना देंगे तो चावल ऐड जाता है और उसमें टूटने का खतरा रहता है, खस्ता हो जाता है चावल। याद रखिएगा, चावल को खड़ा रखने के लिए कि चावल खड़ा भी रहे तो टूटे भी ना, उसमें नींबू डालता है, थोड़ा सेटिंग लगाते हैं, चावल खड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। प्रैक्टिकल 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 है आपका, किताब आना है आपको, बनवाना है आपसे, बनाना नहीं बनवाना है। ठीक है, बनाना अलग चीज़ है, बनवाना सिखाना है कि आप बनाया करियो। ठीक है, कुछ मसालों का, कुछ चीज़ों का नाम हम आजकल सुन रहे हैं, पेपरिका, रोजमेरी और क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है बात। मैंने कहा ना कि हमारी पुरली में पट्टे अंग्रेजी आ गए, क्या पुरली में पट्टे अंग्रेजी आ गए। अब परिगानो, परिगानो नाम सुनते हैं आप, न्याज बोल, अच्छा पौधा है न्याज बोल है जी, ये न्याज बोल है। अच्छा, बेसन बड़ा नाम सुन रहे हैं आप, तुलसी के पत्ते, हमारी अपनी चीज़ें हैं तो उसको एक लिबास बना दिया हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। सब चीज़ें हैं, हर चीज़ का मैंने मजाक की है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, अंग्रेजी नाम ये है, उर्दू नाम ये है। हाँ, तो आज पता करते हैं
इंडेक्स क्लास में मिलनी चाहिए आपको, जब मिसालों की जिद याद।